प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस जनरेटिंग फैक्टर्स अमंग एडोलेसेंट, आज की डेट में एडोलेसेंट बच्चों में क्या फैक्टर है, कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण स्ट्रेस है? तो द फर्स्ट इज परप्लेक्सिटी विद रिगार्ड टू सोमैटिक वेरिएशन। देखिए, सोमैटिक वेरिएशन मीन्स उनके जो बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं। फिजिकली दे आर ग्रोइंग, पहले वो चाइल्ड थे लेकिन अब उनके अंदर ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू ग्रोथ, तो बॉडी की शेप चेंज हो रही है, बॉडी के ऑर्गन्स, जेनिटल ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स बहुत डेवलप हो रहे हैं, बॉडी पे हेयर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है इन वुमेन, सो बॉयज में भी इजैकुलेशन होना, एमिशंस होना शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीजें उनकी बॉडी में एकदम नहीं होती है, जिस कारण वो इस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड अगर उनकी अच्छे से काउंसलिंग या उन्हें अच्छे से गाइडेंस नहीं दी जाए तो उनको ये सारी चीजें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में और टेंशन में ले जाती है। उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, सो अगर लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में उनको ऐसा लगता है कि वो गलत है, इस कारण वो उस चीज से दूर भागते हैं और उनके अंदर डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के कारण कुछ भी एक्शन बिहेवियर ले जाते हैं, माल एडजस्टेड हो जाते हैं, माइंड में भी उनके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहते हैं और वो स्ट्रेस में भी रहते हैं। देन इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लेके वो बहुत ज्यादा, उन्हें ऐसे लगता है कि वो इस सोसाइटी में ऐसा काम करके दिखाएं जिससे उनकी वैल्यू, they want to reach to the heights of the cloud, kuch apne aap ke apne aap se kuch bahut bada karna chahte hain lekin itna practical experience unke life mein hota nahi hai aur wo jo cheez hai wo kar nahi pate hain, aur society bhi unhe koi bahut badi responsibility nahi de sakti other than a person with a good experience, to jo life ke experiences hote hain wo unhe life mein practical jeene ke liye capable banate hain। लेकिन जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें इतना एनर्जी लेवल हाई होता है, इतना उनका डे ड्रीमिंग पार्ट होता है, इतने इमेजिन टू बिग थिंग्स, बट एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, इसलिए वो प्रैक्टिस कर नहीं पाते, एंड द फ्रस्ट्रेशन इज देयर, इसलिए भी वो स्ट्रेस में रहते हैं। देन इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस, जैसे मैंने आपको बताया हार्मोनल चेंजेस है, हार्मोन्स में उनके बदलाव हो रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, अपने आप को वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना के रखने की कोशिश करते हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं और उनके साथ आगे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, लेकिन सम टाइम होता ऐसा है कि मे बी द अदर पर्सन जो है वो उनको वैल्यू नहीं दे रहा, और या फिर जैसे हम देखते हैं रिलेशनशिप इज देयर बट द ऑब्सेसिवनेस आ जाती है, किसी लड़के की किसी लड़की की तरफ ऑब्सेसिवनेस आ जाती है, मतलब लड़की जो है वो नहीं पसंद कर रही है, तो उस कारण वो काफी कई बार क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एसिड अटैक्स हैं, बातें ना हो के लिए हमें उन्हें गाइडेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्हें मालूम होना चाहिए कि दिस इज द फेज ऑफ द लाइफ, लेकिन वंस दे कवर दिस फेज देन दे विल बी एबल टू मैनेज देयर ऑल काइंड ऑफ इंपल्सेस, तो ये भी उनकी एक प्रॉब्लम है। देन इज इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस, अब बात है कि एडोलेसेंट ना तो वो अडल्ट है और ना ही वो छोटे बच्चे हैं, वो एक अपने आप को बहुत बड़ा ही समझते हैं, अडल्ट ही समझते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स हैं, वो उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं और वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, पेरेंट्स से भी वो ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं तो जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो इस कारण भी बेसिकली लेकिन पेरेंट्स को अवेयर रहेंगे अपने बच्चों को लेकर, इस कारण भी उनमें क्लैशेस डेवलप होते हैं और वो पेरेंट्स की बात ज्यादा नहीं समझते। देन इज पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप में वो अपने जो उनका ग्रुप होता है
गर्ल्स का और बॉयज का, उसके लिए बहुत लॉयल होते हैं, वो उसी ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उन्हीं के लिए लॉयल होंगे, उनके जो रूल्स बन गए हैं ग्रुप के वो वही फॉलो करते हैं, दूसरी चीजों की तरफ बिल्कुल अटेंशन नहीं देते हैं, जो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो बता दिया है ग्रुप में बस उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देन इज आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, इसमें भी बच्चे बहुत आइडियलिस्टिक भी हमारी जो सोसाइटी वो आइडियलिज्म से ही आई है, तो ये रहता है क्वेश्चन माइंड में कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा लाइफ का मकसद क्या है, गॉड क्या है, ह्यूमैनिटी क्या है, सफरिंग क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या है, इस तरह की जो फिलोसफिकल बातें हैं जिनकी आंसर्स आज तक हम भी अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन माइंड में बहुत हैवी रहते हैं और उसका आंसर ढूंढने के लिए सोचते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो कि रियल लाइफ में उसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता, तो जो रियल लाइफ में जो चल रहा होता है उससे थोड़ा पीछे हो जाते हैं और इन चीजों में उनका ज्यादा माइंड में इन्वॉल्व हो जाता है। Then is vocational choice and need of self-support. तो बच्चों में इनमें बहुत ज़्यादा vocational choice, मतलब बहुत ज़्यादा self-dependent होने की बहुत इच्छा होती है, independent life रहने की इच्छा होती है, they want to prepare themselves. तो किसी इसी एज में वो पढ़ाई करते हैं, तो देखते हैं कि प्लस वन प्लस टू में बच्चे की जो टीन एज होती है इसी में आपका करियर मेकिंग टाइम में ही जो उनका चॉइस है जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसी फील्ड को वो ऑप्ट करते हैं और उसमें आगे अपना वोकेशन बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे जाकर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली स्टैंड हो सके, अर्न कर सके। तो ये तो अभी जो चल रहा है करंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलेसेंट स्ट्रेस, आजकल का जो है लेटेस्ट क्या स्ट्रेस चल रहा है, द फर्स्ट इज इंक्रीजिंग लोनलीनेस। तो लोनलीनेस जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है आज की डेट में। As you all know, कि अब न्यूक्लियर फैमिलीज का कंसेप्ट चल रहा है, पहले जमाने में क्या था, एक ही फैमिली में चाचा था वो ये सब इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिलीज थी, उनके बच्चे होते थे, तो सारे जने एक न एक दूसरे से इन्वॉल्व रहते थे, तो लोनलीनेस नहीं थी, तो चाइल्ड वाज नॉर्मल। बट अब क्या है, वर्किंग कंडीशंस आ गई है, इसमें पेरेंट्स बहुत पेरेंट्स आर वर्किंग, मदर भी वर्क पे जाती है, फादर भी वर्क पे जाता है, बच्चा अकेला रह जाता है, बैच में होगा जब वो छोटा होगा, लेकिन जो बड़ा है तो वो घर पे अकेला ही है, उस कारण उसके अंदर बहुत ज्यादा लोनलीनेस आ जाती है और उस लोनलीनेस जो है वो उनको काफी ज्यादा नेगेटिवली कई बार कर सकती है। तो इस तरह से अकेले रहने के कारण भी, जो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली के कारण है, लोनलीनेस के कारण है, उनके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, वो भी नेगेटिव ले सकते हैं, तो ऐसे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। देन क्या इम्पैक्ट है ऐसे लोनलीनेस का, क्या है कि दे मे हैम्पर द प्रोसेस ऑफ देयर फिजिकल मेंटल सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट, सारी चीजों की इम्पैक्ट पड़ता है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। दे मे डेवलप द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस हो सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी उनके बिहेवियर में, विड्रॉल सिम्टम हो सकते हैं, डिटैच हो सकते हैं जो मेन स्ट्रीम सोशल एजुकेशन या कल्चरल फील्ड है, दे मे डेवलप इनटू टिमिड बिल्कुल डरपो या शाई नेचर के, जो कॉवर्ड या अनप्लीजिंग पर्सनैलिटी में डेवलप हो सकते हैं, एजुकेशनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, दे मे पिक अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, लिक्वर कंजप्शन, ठीक है, इस तरह की चीजें, ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, they may seek company of like undesirable people, तो कारण उनका delinquent behavior हो सकता है, truancy हो सकती है, problematic behavior हो सकता है, they may develop negative attitude toward their parents, elders, teachers and even engage in revengeful and rebellion acts, इस तरह से उनका negative attitude हो सकता है जिससे वो अपने ही घर घर के लोग के जो members हैं उनके against हो जाते हैं और बहुत ज्यादा rebellion और revengeful। तो ये था लोनलीनेस का इम्पैक्ट। देन कम्स चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, एज यू ऑल नो कि फैमिली स्ट्रक्चर जो है चेंज हो चुका है, इनफैक्ट एंड न्यूक्लियर फैमिली सोचती है बच्चे अकेले घर में रह रहे हैं, जो शिफ्ट है कंबाइंड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण बहुत सारे बच्चों में चेंजेस है। बेसिकली क्या है,
बच्चे भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं न्यूक्लियर फैमिलीज में, भी एक बच्चा होगा या दो बच्चे होंगे, तो जितने भी रिलेशनशिप्स जो पहले थे जैसे मासी चाचा बुआ, ये सारे कम होते जा रहे हैं। बच्चों को सपोर्ट और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं, बच्चे बस आपस में ही, वो पेरेंट्स से भी डिप्राइव रहते हैं, उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, गाइडेंस नहीं मिल पाती, ग्रैंड पेरेंट्स भी आजकल अलग रहते हैं, तो उनसे भी उनको अफेक्शन और सपोर्ट नहीं मिलता। तो फैमिली स्ट्रक्चर जो है, कई बार ऐसा भी है कि सिंगल पेरेंट या लाइक सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, तो उसमें भी उनको कई बार सेपरेशन डाइवोर्स हो जाता है, उस कारण भी बच्चों के बड़ा नेगेटिव मेंटली। तो देन कम्स की अब इसी सिचुएशन में बच्चों की काउंसलिंग और उनके आगे की लाइफ में भी काफी। बेसिकली कॉज क्या है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, फैमिली स्ट्रक्चर ऐसे न्यूक्लियर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक जो चीज है, अर्निंग के लिए लोग बड़ी सिटीज में चले जाते हैं, कर जाते हैं, तो इस कारण उनकी जो फैमिली साइज जो है वो श्रिंक हो जाती है। दूसरा मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, जिस कारण वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर की जो फिलोसफी है वो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक फिलोसफी है। पीपल जो है वो न्यूक्लियर फैमिली के कंसेप्ट को भी लेकर चलते हैं, ठीक है। इवन दो आप वेस्टर्न में देखेंगे तो वो जो पेरेंट्स है वो जैसे बच्चा बड़ा भी होता है उसको भी वो अपने लाइफ से ऑफ कर देते हैं एंड दे स्टार्ट लिविंग देयर ओन लाइफ। इस तरह से देखते आ रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी अपने अपने जो डॉटर्स हैं सन्स हैं उनको भी वो एस्टैब्लिश करते हैं, या अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए करते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर टाइम ना दे पाने के कारण जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनमें काफी सारी कमी रह जाती है। एजुकेशन जो है, लिटरेसी है, ये सारी बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट ने चला रखी है, काफी जैसे कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना, लिमिट करना फैमिलीज को 1 ईयर के लिए, इस कारण भी जो फैमिली स्ट्रक्चर है छोटा होता है। नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, मॉडर्नाइजेशन का, या राइजिंग परमिसिवनेस, परमिशन दे देनी कहा तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ ज्यादा बच्चे के लिमिटेशंस ना रखनी, सारी जो चीजें हैं इस कारण भी बच्चे काफी सफर कर रहे हैं। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट इसका यही है, बेसिकली जो बच्चे हैं एडोलेसेंट बच्चे हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। एक तो न्यूक्लियर फैमिली है, ऊपर से परमिशन है, उन्हें ये नहीं समझ आता कि वो क्या करे अपने लाइफ में। और जैसे कि कुछ फैमिली बिजनेसेस हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, शॉप है, बिजनेस है, तो वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो उसी को आगे परस्यू करें। लेकिन बच्चे जो होते हैं एडोलेसेंट बच्चे, वो शायद मे बी ड्यू टू एजुकेशन या ड्यू टू द कंपनी ऑफ अदर पीपल वो कुछ और करना चाहते हैं, तो उसमें क्लैश आ जाता है पेरेंट्स में और बच्चों में, कारण भी उनका स्ट्रेस नहीं बढ़ जाता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की और पेरेंट्स की और जितने भी उनके साथ अटैच है बच्चों की, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, अर्न कर सकें, लेकिन उनकी थोड़ा सा चॉइस का ध्यान देना बहुत जरूरी है। देन ये जो सारा स्ट्रेस है इसको रिमूव करने के लिए बच्चों की इंटरेस्ट का लेवल भी देखना होगा, उन्हें थोड़ा जो फियर है उससे आउट करना होगा, लेकिन लिमिटेशन थोड़ी उनको बतानी पड़ेगी, गाइडेंस। देन कम्स राइजिंग परमिसिवनेस। परमिसिवनेस मीन्स आपने परमिशन दे, तो परमिसिवनेस इज द हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्टिंग और टॉलरेंट ऑफ समथिंग एज सोशल बिहेवियर दैट अदर्स माइट डिसअप्रूव ऑफ। कोई ऐसा सोशल बिहेवियर जो बाकी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे राइजिंग परमिसिवनेस। इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार जो एडोलेसेंट बच्चे हैं गलत काम भी कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स पे भी, उससे क्या होगा वो और भी गलत करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो टॉलरेंस है वो नहीं है। तो बेसिकली क्या है, लाइक अंडरलाइंग कॉजेस क्या है इसके, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन है, ठीक है, और काफी अर्निंग के लिए बोथ फादर एंड मदर दोनों सर्विस में हैं, ठीक है,
एंड उनके पास टाइम ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनको अटेंड कर सके और उनको अटेंशन दे पाए। तरह से बच्चे जो है एडोलेसेंट वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे फील राइट, जो उनको अच्छा लगता है। पेरेंट्स जो वेस्टर्नाइज हैं वो भी बिजी हैं अपने लेजर टाइम या क्लब लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं स्पाउस के साथ या फ्रेंड्स के साथ, दे रिमेन क्वाइट, बिल्कुल बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और उनको अलाउ कर देते हैं दैट दे कैन आल्सो एंजॉय देयर इंडिविजुअल देयर ओन लाइफ, वो अपने फ्रेंड्स से। Then parents also giving no proper attention, caring for the developing children. So इस तरह से उनके अंदर थोड़ा सा guilt तो आता है बच्चों के लिए प्रति, they are not giving, लेकिन फिर भी उनके पास time ही नहीं है कि वो अपनी life में ज़्यादा देते हैं और बच्चे इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। Then nuclear family system या single parent family system में भी permissiveness है, you cannot control. अगर single mother है या single father है तो वो भी नहीं कर, नेबरहुड है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, वो भी कॉन्शियस है, विजिलेंट होते हैं कि बिहेवियर कैसा है बच्चों का या एडोलेसेंस, ज्यादा कॉन्शियस होते हैं लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा परमिसिव एटीट्यूड मिल जाता है एंड दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट। देन द टीचर्स जो कि बेस्ट होते हैं गाइड करने के लिए, लेकिन आजकल जो टीचर्स हैं वो नहीं कर पाते हैं, बच्चे और जब अगर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इन्फोर्स करते हैं रूल्स रेगुलेशंस, वो भी बच्चे उस चीज को नहीं कर पाते, आल्सो लीडर एक परमिसिव एटीट्यूड के होते हैं, कारण भी बच्चे अपनी लाइन से भटक जाते हैं और कोई भी क्राइम या कुछ भी अनडिजायरेबल बिहेवियर कर। पीयर प्रेशर भी होता है जो कि बच्चों को काफी फोर्स करता है, पीयर प्रेशर में जो जिस ग्रुप में है, मान लीजिए किसी बैड कंपनी में बच्चा चला है तो उसमें भी वो अपने ग्रुप को खुश करने के लिए भी कुछ ना कुछ गलत हरकत और उसी के जो रूल्स बने होते हैं और उसी कारण वो आगे चलते रहते हैं। पेरेंट्स भी परमिशन दे देते हैं कि ये उसका ग्रुप है एंड लेट द चाइल्ड एंजॉय। तो इस तरह से मल्टीकल्चरिज्म, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन के कारण मास मीडिया, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारी चीजों का बहुत बुरा इम्पैक्ट, काफी नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है बच्चों के परमिशन पर, इसलिए एल्डर्स को, सोसाइटी को बहुत ध्यान से बच्चों को परमिशन देनी चाहिए, लिमिटेशन जरूर रखनी चाहिए, उन्हें मालूम होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको साथ के साथ बच्चों के फ्रेंड बनकर रहना, स्ट्रिक्टनेस से भी कोई वो नहीं, वे रिबेलियन नहीं होते हैं। तो इस तरह से बाउंडलेस फ्रीडम जो है, जो उनको खुला टाइम दे दिया है, एनर्जी दे दी है, वो उसको फैक्ट नेगेटिवली ही चलेगी बच्चों के लिए एंड दे कैन डू एनीथिंग व्हाट दे वांट। तो आपको बिल्कुल केयर करनी है क्या इंटरनेट पे देख रहे हैं, क्या कौन सी गेम्स देख रहे हैं, कौन सी मूवीज देख रहे हैं, तो एक प्रॉपर आपको अटेंशन देनी बहुत ही जरूरी है। परमिसनेस हर चीज में भी, हैबिट्स में भी देखना है, स्लीपिंग हैबिट कैसी है, कब उठते हैं, क्या फूड खा रहे हैं, कैसे मनी स्पेंड करते हैं, क्या खरीद रहे हैं, तो इस तरह की सारी चीजें उनको ध्यान देना है। अनसोशल तो नहीं है या फिर बच्चे अनडिजायरेबल या प्रॉब्लमेटिक या डेवलपमेंट बिहेवियर में तो नहीं है, इमोरल तो नहीं है, ठीक है, और या फिर हमें ये भी देखना है कि कहीं वो किसी चोरी में या किसी स्मोकिंग में या अनवांटेड प्रेगनेंसीज में लाइक या रैश ड्राइविंग में या एंगेजिंग इन ब्लडी फाइट्स में, बुलिंग में, ईवटीजिंग में, ये सारी चीजें या सेक्स अब्यूजेस, रेप, कमिटिंग मर्डर्स, ऐसे सारे क्राइम्स में नहीं बच्चे। तो ये इंक्रीजिंग परमिसनेस जो है ये उल्टा खतरनाक हो सकती है, तो ये अनलिमिटेड फ्रीडम है तो उसमें बच्चों को पूरी छूट दे दी गई है कि आप कुछ भी कर सकते हो एंड दे मूव अहेड। बेसिकली करना क्या है कि आपको ध्यान देना है बच्चों को। देन कम्स रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स इन हेल्पिंग एंड गाइडिंग। टीचर्स का या पेरेंट्स का क्या रोल है, कैसे गाइड कर सकते हैं? So first is to have the proper knowledge of adolescent psychology.
टीचर को भी और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि अब हमारा जो बच्चा है एडोलेसेंट एज में आ गया है, इसके स्पेसिफिक नीड्स और टाइप ऑफ द चेंजेस आर अकरिंग इन दिस पीरियड, या इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे हैं और उनको कैसे ट्रीट किया जाए, ये सारी चीजें बहुत ही एसेंशियल है पेरेंट टीचर्स और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। हाँ सही, हम हैंडल कर सकते हैं बच्चों को जब हमें मालूम होगा कि हाउ व्हाट आर द सेटअप साइकोलॉजी एडोलेसेंट इज हैविंग और उसको हमें कैसे हैंडल करना है, देन प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है, प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटीज देनी है जिसमें वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करे, नॉलेज हो, एजुकेशन हो और उनकी अपनी इंटरेस्ट की चीजें हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, नॉलेज ऑफ हेल्थ भी देनी है, पर्सनल हाइजीन के बारे में, क्लीननेस में, डिजीजेस के बारे में, कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे ग्रोथ करनी है, ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज देना। देन इज रेंडरिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, जो एडोलेसेंट बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक होता है रिगार्डिंग सेक्स, सो सेक्स हार्मोन्स उनके अंदर भी अराइज हो रहे होते हैं, ठीक है, अर्जेस हो रही होती है, इम्पल्सेस हो रही होती है, सो दे शुड बी गाइडेड प्रॉपरली इन साइंटिफिक वे कि उनकी बॉडी में सोमैटिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रही हैं, मेंस्ट्रुएशन के बारे में, एमिशंस के बारे में, हाउ द चाइल्ड इज बॉर्न, एवरीथिंग, रिप्रोडक्शन के बारे में, उनकी जो क्यूरियोसिटी है सेक्स को वो सारी उनको मालूम होने साथ नॉलेज होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी गिवन इन दिस वे कि दैट इज अ बिग थिंग। हमें एक साइंटिफिक तरीके से पूरी अच्छे तरीके से समझाना चाहिए एंड दे शुड नो at certain age they will get married and they will be into a relationship, तो ये सारी चीजों नॉलेज उन्हें एक बहुत ही एक्सपर्ट और एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन के साथ डिलीवर करवाने चाहिए, सेमिनार या कुछ वर्कशॉप लगाने चाहिए स्कूल्स में, सेक्स हाइजीन के बारे में बताना चाहिए, फिजियोलॉजी के बारे में, द प्रोसेस ऑफ द बर्थ ऑफ अ बेबी के बारे में, कैसे मैरिजेस के बारे में, सब कुछ बहुत ही फ्रेंकली, साइंटिफिकली, ज्यूडिशियसली और एक पर्सनल मैनर से। तो ये सारी चीजों को जब बच्चों को नॉलेज होती है तो वो एक भटकते नहीं है, इधर उधर नहीं होते, वो अपने एनालाइज करते हैं जो भी सेक्सुअल एनर्जी है, तो द सबलिमेशन ऑफ द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, सेक्सुअल एनर्जी शुड बी तो हमें कोई भी टैबू या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन इज प्रॉपर डीलिंग विद द एडोलेसेंस। अब जितने भी रिसर्चेस हो रही हैं एडोलेसेंट साइकोलॉजी को लेकर कि हमें एडोलेसेंट बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, हैबिट्स कैसे डेवलप करनी चाहिए, कैसे हम उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग के नॉलेज को लेते हुए और एक जनरेशन गैप है जैसे एडोलेसेंस और एल्डर्स के बीच में उसको कवर करते हुए उनकी क्या डिमांड्स है, उनको कैसे पूरा किया जाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा, उनके अंदर जो क्रेविंग आ रही है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे उनके अंदर भी सेल्फ प्रेस्टीज स्टेटस जो उनके पीयर ग्रुप में है वो कैसे मेंटेन रहे, मैच्योर इंडिविजुअल वो कैसे बने, वैल्यूज उनके अंदर कैसे हों, है ना। तो इस तरह से बच्चे जो हैं उनको टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही बहुत अच्छे से गाइड करें और एडोलेसेंट बच्चों को से कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अंदर ही अंदर उन चीजों को ना रखें, अपने आप को डैमेज ना करें, अपने सेल्फ कंसेप्ट को भी डैमेज ना करें, अपने आप को इंसल्टेड भी फील ना करें और उसके अंदर आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी ना करें उनके जो भी एटीट्यूड है या एक्शन है। बेसिकली यही चीज है कि उनका जो मिसबिहेवियर है वहां पे भी आपको दूर करना, उसके रूट कॉज को दूर करना, एल्डर मस्ट गिव अ डीप कंसिडरेशन नीड्स एंड प्रॉब्लम सुटाई टू पनिश मिस रूट कॉज शुड बी, बेसिकली हमें रूट तक जाना है, बेसिकली बच्चा अगर मिसबिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। देन इज ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ इमोशनल नीड्स। तो बच्चे के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारी इमोशनल नीड्स होती हैं और वो इमोशनल नीड्स कैसे उनकी फुलफिल, टू मच इंटेंसिटी होती है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इमेच्योर इमोशंस होते हैं, एडोलेसेंट्स जो है इनके जितने भी इमोशंस हैं इनको सब्लाइम करना होता है, तो सब्लाइम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लाइक आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, लाइक आप मान लीजिए पेंटिंग है या आर्ट्स है, कुछ
उसमें आप अपने सारे इमोशंस को आउट करते हैं। और जैसे पॉलिटिकल पार्टी या लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी में है तो उसको वो तरह की चीजों में लीडर बनाए तो ताकि वो अपनी सारी एनर्जी, या किसी में बहुत एग्रेसिवनेस है तो वो स्पोर्ट ऐसी ले लें जैसे कि बॉक्सिंग है, इस तरह की चीजें हैं। ये आपको रिकॉग्नाइज करना है कि किस टाइप का इमोशन ज्यादा हैवी है ताकि उनके जो इमोशनल हम लोग इमोशनल जो भी है वो सारी चीजें रिकॉग्नाइज हो। दे शुड हैव डिजायर टू लव एंड टू बी लव, उनके अंदर ये डिजायर होना बहुत जरूरी है, खुद भी लव करें और वो भी लव करें। तो they need to be accepted by their age mates and every adolescent aspires that he should be admired and praised. तो उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि सबको goodwill में रखें और इसके लिए वो अच्छा करें, नहीं तो वो बिल्कुल withdraw हो जाते हैं। Then is to take care of the special interest of the adolescent. आप बच्चे के देखने की बहुत wide interest और aptitude होना चाहिए, किन किन चीज़ों में जा सकता है और उनको बिल्कुल स्पेशल इंटरेस्ट एप्टीट्यूड जो है वो उसका ध्यान रखते हुए उनसे को करिकुलर एक्टिविटीज है, उनका जो टेम्परामेंट है लाइक उसमें ये देखना चाहिए एक्सकर्शन है, एनसीसी है, माउंटेनिंग है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है, ये सारी चीज़ों में बच्चा इन्वॉल्व है। और जो भी उनके नेबर्स में या स्कूल में जो भी फ्रेंड सर्कल है उस तरह का ताकि वो इस तरह की एक्टिविटीज में पार्ट ले। Then is providing religious and moral education. That is very important. Like, बिल्कुल बच्चे indiscipline में ना रहे, dishonest ना रहे, aimless ना रहे, इसलिए proper moral education भी बहुत जरूरी है। Mind में negative जो thoughts हैं बिल्कुल erased होने चाहिए और mind बिल्कुल blank करके बिल्कुल positive thoughts के साथ करना है so that they do positive things. So, provision for vocational education. Vocational education is very important. Education, कौन से vocation को opt करेंगे, किस चीज में interest है, economic factor क्या है, so that they can earn their livelihood. उसके लिए prepare करना है. Arranging guidance services, बहुत सारी guidance services चाहिए जिसमें बच्चों को adolescent growing बच्चों को life को लेके how to deal with your life इस चीज के लिए वो guide हो सके और वो अपना future बना सके और जिसमें जो problems आ रही है solve this. So this is all about adolescent stress and the role of parents.